हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड दीज वीडियोस हेल्पफुल, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल इफ यू हैवंट डन दैट। और आज के वीडियो में हमें बहुत सारे आर्टिकल्स के बेसिक्स क्लियर करने हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल पे अपलोड की गई अक्टूबर मंथ की विजन आईएएस की पॉलिटी और गवर्नेंस की वीडियो नहीं देखी है, मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, वो वीडियो काफ़ी छोटी है तो आप उसको पार्ट्स में देख सकते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसमें क्लियर किए गए हैं जो आप खुद से पढ़ेंगे तो शायद काफ़ी हैवी ऑन वर्ड्स लगेगा आपको जो टेक्स्ट है पॉलिटी और गवर्नेंस का। पर आई हैव ट्राइड टू सिंपलीफाई इट। बहुत सारी चीजें जैसे एके गोपालन केस में कैसे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को डिफरेंशिएट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब अब रिसेंटली ये कहा कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डिसऑर्डर केसेस में लगेगा, ना ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में, तो कैसे उन्होंने एक एग्जांपल के माध्यम से इसको इलैबोरेट किया। लैंड रिकॉर्ड्स, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की काफ़ी बातें हो रही हैं, इट इज़ इन द न्यूज़ ऑल द टाइम, पर उसमें बहुत बेसिक टर्म्स के कैडेस्ट्रल मैप्स और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में डिफरेंस क्या है, कैसे आप दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तभी डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है वो एक एप्रोप्रिएट मैनर में कंप्लीट हो पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, आई हैव यूज्ड डायग्राम्स ऑल्सो ताकि आपको समझ आ जाए, तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो पहला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट सेट्स टू लुक इनटू बिल्किस बानो'स पिटिशंस अगेंस्ट अर्ली रिलीज ऑफ 11 कॉन्विक्ट्स। तो क्या हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने वेंसडे को बोला है दैट ओके, फाइनली वी अग्री टू लुक इनटू द लिस्टिंग ऑफ टू पिटिशंस। अभी देखिए, ऐसा नहीं है कि कब के लिए लिस्ट हुआ है ये नहीं पता, पर उन्होंने कहा है कि हम ओके, वी विल लिस्ट द पिटिशंस जो बेसिकली बिल्किस बानो जी द्वारा, जो विक्टिम है उनके द्वारा फाइल की गई है। तो ये उन्होंने कहा है 2002 गुजरात रायट्स के केस में अगेंस्ट द गुजरात गवर्नमेंट्स डिसीजन टू। अब देखिए, दो पिटिशंस हैं तो दोनों सेपरेट पिटिशन है, वो हम देखेंगे, और दोनों सेपरेट पिटिशन है और दोनों के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे आपको बताना है, नॉट द पिटिशन, पर दो अलग अलग चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो रिव्यू पिटिशन क्या होता है और एक रिट पिटिशन क्या होता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, इफ यू डू नॉट नो द बेसिक्स ऑफ दीज थिंग्स then everything is a waste, okay? ये पूरा आर्टिकल कंसिडर करना ही वेस्ट हो जाएगा मेरे लिए। मेकिंग एन ओरल मैंशनिंग बिफोर द सी जे आईज बेंच, एडवोकेट शोभा गुप्ता फॉर मिस बानो सेड हर क्लाइंट हैड फाइल्ड अ रिव्यू पिटिशन अगेंस्ट द सुप्रीम। अब देखिए, रिव्यू पिटिशन किसके खिलाफ फाइल किया गया है। एक पिटिशन जो पहली पिटिशन है वो रिव्यू पिटिशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में एक डिसीशन दिया था, एक ऑर्डर दिया था, जिसमें उन्होंने अलाउ किया था कि जो गुजरात गवर्नमेंट है, गुजरात की सरकार है, वो बेसिकली एक जो वन ऑफ द कॉन्विक्ट थे उनकी एक पिटिशन थी उस पर वो अब कंसिडर करें, वो एक्चुअली वॉन्टेड एन अर्ली रिलीज, तो उनके पिटिशन पे वो कंसिडर करें। और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन में ये कहा था कि जो भी एट द टाइम ऑफ कॉन्विक्शन, जब इनको दोषी साबित कर दिया गया, उस समय जो भी प्री मेच्योर रिलीज पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही थी गुजरात गवर्नमेंट में, वो फॉलो की जाए। ठीक है, तो देखिए 2008 में बेसिकली एक स्पेशल कोर्ट द्वारा मुंबई के इनको कॉन्विक्ट किया गया था, तो 2008 में गुजरात की प्री मेच्योर रिलीज पॉलिसी 1992 की चल रही थी, जिसके वजह से अगर 14 साल आपने कंप्लीट कर लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट में, तो आपको कंसिडर किया जा सकता है अर्ली रिलीज के लिए। तो उसके माध्यम से गुजरात सरकार ने इनको प्री मेच्योर रिलीज दे दी थी। ठीक है, लेकिन ये रिव्यू पिटिशन में बेसिकली बिल्किस बानो जी द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक्चुअल में जो जो गवर्न कर रहा था उस टाइम पे, जो केस देखिए किसने हियर किया था, मुंबई कोर्ट ने हियर किया था, तो जो महाराष्ट्र में या मुंबई में जो बेसिकली प्री मेच्योर रिलीज पॉलिसी कॉन्विक्शन के समय पे एग्जिस्ट करती थी उसको फॉलो किया जाना चाहिए था, ना कि गुजरात की प्री मेच्योर रिलीज पॉलिसी को। ये रिव्यू पिटिशन कहती है, यानी कि पहली पिटिशन इज अबाउट रिव्यू पिटिशन। ओके, तो ये चीज अब देखिए यहाँ पे, और दूसरी पिटिशन क्या है, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ रिव्यू पिटिशन होता क्या है, क्योंकि रिव्यू पिटिशन से रिलेटेड हमने पिछले कुछ वीडियोज में इंडियन एक्सप्रेस में भी बहुत एक्सप्लेनेशन देखी है, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और जो दूसरी पिटिशन मिस बानो ने फाइल की है, उसमें उन्होंने चैलेंज किया है
एक सेपरेट रिट पिटिशन के माध्यम से, जो दूसरी पिटिशन है वो एक रिट पिटिशन है, पहली पिटिशन रिव्यू पिटिशन थी, रिट पिटिशन के माध्यम से उन्होंने बोला है कि आपने इनको रिलीज करके मेरी फंडामेंटल राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 21 को ब्रीच किया है। ओके, तो ये चीज। तो अब देखिए, सबसे पहली बात तो रिव्यू पिटिशन क्या होता है। अब देखिए, बहुत बेसिक टर्म्स में बात करते हैं। आपको ये बात पता है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट बिकम्स लॉ ऑफ द लैंड। ओके, दिस कॉन्स्टिट्यूशन ओनली सेज। तो बेसिकली जब एक जजमेंट लॉ ऑफ द लैंड बन गई तो एक सर्टेनिटी प्रोवाइड कर देती है फ्यूचर केसेस के लिए भी। हाई कोर्ट है, कोई भी जुडिशरी, सबॉर्डिनेट जुडिशरी है, या कोई भी या कोई केस लड़ा जा रहा है, या पॉलिटिक्स में भी हर बार बार सुप्रीम कोर्ट के केसेस को कोर्ट किया जाता है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता बिकॉज इट इज फाइनल। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही आर्टिकल 137 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि आप अपनी जजमेंट्स को, अपने ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकते हैं। देखिए, कोई भी भगवान नहीं है, एरर हर किसी से हो सकता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर ऑफकोर्स वेरी वेरी श्योर अबाउट इट कि कोई भी इंसान भगवान नहीं होता, वो एक एरर जजमेंट में हो सकता है। सो हेंस कम्स द फैक्ट ऑफ रिव्यू। ओके, तो बेसिकली क्या है, लेकिन आर्टिकल 137 ने अलाउ तो कर दिया रिव्यू के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे जी नहीं, आप फ्रेश बिल्कुल शुरुआत से आप ये केस सुनना शुरू कीजिए जिसमें 10 साल लगे, 15 साल लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, यू कांट डू दैट। अगर तो कोई बहुत ही ग्रेव एरर हो गया है जस्टिस डिलीवर करने में, जैसे इस जगह इन्होंने एरर, जो बिल्कुल नैरो स्टेटमेंट पे आप रिव्यू पिटिशन डाल सकते हैं कि अच्छा ये पॉइंट है, ये ग्रेव एरर है जिसकी वजह से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, जैसे इस केस में 1992 की पॉलिसी ना फॉलो करने के बजाय एक्चुअल में फॉलो की जानी चाहिए थी महाराष्ट्र सरकार की रेमिशन पॉलिसी, ठीक है, तो वो नहीं की गई, तो ये एक ग्रेव एरर हुआ बेसिकली इस पिटिशन के हिसाब से, उसको देखा जाएगा। फ्रेश केस नहीं सुना जाएगा कि अब चलिए जी ये दोषी थे भी या नहीं थे, इस चीज को उठा के देख लेते हैं। नो, इट वुडंट हैपन। ओके, तो बेसिकली, और रिव्यू पिटिशन कब फाइल की जानी चाहिए, विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर रिव्यू पिटिशन फाइल की जानी चाहिए। और क्या प्रोसीजर, अगर हम बहुत ब्रीफली प्रोसीजर के बारे में देख लें कि कैसे आप रिव्यू पिटिशन को सुना जाता है, तो देखिए आप इसमें जैसे जजेस होते हैं वो ओरल आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं या ओपन कोर्ट में बेसिकली जो जहां पे कोई भी जा सकता है, इट इज ओपन टू द पब्लिक। ऐसा नहीं होता, रिव्यू पिटिशन हमेशा सर्कुलेशन के माध्यम से, यानी कि पिटिशन वुड बी सर्कुलेटेड थ्रू द चेंबर्स, यानी कि जितने भी जजेस थे, यूजुअली कोशिश की जाती है जिन्होंने ये, अगर मई 2022 में जिन जजेस ने भी दिया होगा वर्डिक्ट, उसी जज की कॉम्बिनेशन को बिठाया जाए, और क्योंकि वही रिव्यू करेंगे ना, जजमेंट तो उनकी तरफ से आई थी, तो फिर वो आपस में बात करके, डिस्कस करके, केस को पढ़ के फिर वो डिस्कस करते, ओपन कोर्ट में नहीं होते यूजुअली कह रही हूं मैं, लेकिन अगर डेथ पेनल्टी के केस हैं, कुछ बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें कोर्ट अलाउ कर देती है ओरल हियरिंग को भी। ओके, सो दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये चीज, और हाँ एक और चीज, अगर देखिए ऐसा तो नहीं है कि रिव्यू पिटिशन आपने डाल दी, पहले आपने पिटिशन डाली, फिर केस का वर्डिक्ट जो भी आया वो आपको अच्छा नहीं लगा, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन डाल दी। अब जरूरी नहीं है कि रिव्यू पिटिशन का भी जो वर्डिक्ट आए या जजमेंट आए वो आपको पसंद आए, पसंद इन द सेंस आप सेटिस्फाइड हो उससे, तो उसके ऊपर भी तो कुछ होना चाहिए। अब वो तो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं प्रोवाइड करता, तो वो बेसिकली 2002 का एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, हुर्रा वर्सेस हुर्रा केस, वो प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर रिव्यू पिटिशन भी आपको पसंद नहीं आई तो आप क्यूरेटिव पिटिशन डालिए, लेकिन अगेन क्यूरेटिव पिटिशन भी बहुत ही नैरो फैक्ट्स एंड बेसिस पे लड़ी जाती है या फिर फाइल की जाती है, कि उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि क्या एक्चुअल में किस चीज की वजह से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, तो उसको क्यूरेट करने के लिए यानी कि सही करने के लिए ये पिटिशन डाली जा सकती है। सो क्यूरेटिव पिटिशन इज अ फाइनल पिटिशन, उसके ऊपर कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये चीज। और साथ ही में दूसरी पिटिशन रिट पिटिशन थी, रिट पिटिशन से रिलेटेड मुझे आपको ये बताना था कि रिट पिटिशन, अब जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि ये मेरी, क्योंकि देखिए आप मेरे नेबर्स हैं, आप ही ने मेरे साथ गलत किया, आप दोबारा से मेरे नेबरहुड में आ जाएंगे, आप सुबह उठते निकलते बाहर जाते मार्केट से आते, हर बार मुझे आपकी शक्ल देखनी पड़ेगी, और मुझे वो दिन याद आएगा जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, व्हेन द वुमन वाज एक्चुअली प्रेग्नेंट, उनके सामने उनके घर के 7 लोगों की जान ली गई ब्रूटली,
वो प्रेग्नेंट थी, उनका रेप किया गया, गैंग रेप हुआ उनका, साथ ही में शी वॉज लेइंग नेकेड, और जब वो अनकॉन्शियस हो गई और फिर जब उनको कॉन्शियसनेस उन्होंने दोबारा अटेन की एंड शी सॉ हरसेल्फ, और फिर उनको रियलाइज हुआ एंड देन यू नो नेकेड ओनली शी रैन टू समबडीज हाउस कि मुझे कपड़े दीजिए, तो एक ट्राइबल विमेन ने उन्हें कपड़े दीजिए. देखिए कि सोचने में ही बहुत हॉरिफाइंग है, बार बार वो सीन याद आना, इट इज ऑब्वियसली अफेक्टिंग हर फंडामेंटल राइट टू लाइफ. ओके तो अभी वैसे ये लिस्ट तो नहीं हुआ है कब पिटिशन सुनी जाएगी ये हमें नहीं पता, तो मुझे आपको ये बताना है कि रिट पिटिशन में हमेशा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात होगी. अगर आप रिट पिटिशन फाइल करते हैं तो आप बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के, देखिए इस वजह से बेसिकली मेरा फंडामेंटल राइट कोई ब्रीच हो रहा है. तो रिट पिटिशन इज ऑलवेज अबाउट प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट, दिस इज अ बेसिक. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिट पिटिशन सुन सकते हैं, ठीक है, ये चीज आपको पता है. और देखिए आपको याद होगा हमने कल या परसों के एक वीडियो में ये डिस्कस किया था, जो जलीकट्टू केस चल रहा है, जो बुल टेमिंग एक्सरसाइज है जो हर साल जनवरी के महीने में तमिलनाडु में फॉलो की जाती है अराउंड पोंगल, तो उसमें बेसिकली यू नो जलीकट्टू के खिलाफ बेसिकली बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं कि इट इज यू नो द चॉइस, द क्वेश्चन इज अबाउट चॉइस, कि मतलब आप बुल को या एक एनिमल के पास चॉइस नहीं है ना, आपका मन कर रहा है खेलने का तो आप खेल रहे हैं, ये एक्टिविस्ट कहते हैं, ठीक है. इट इज अबाउट द चॉइस ऑफ द एनिमल, यू आर नॉट गारंटिंग दैट, मतलब एनिमल के पास कोई चॉइस नहीं है, फिर उनके साथ यू नो क्रुएलिटी हो रही है, प्रिवेंशन टू क्रुएलिटी का एक्ट भी है, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो जब ये केस अभी चल रहा है, अभी नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसी पे डिस्कस करेंगे, केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस के एम जोसेफ, उन्होंने पूछा कि आपने रिट पिटिशन फाइल की है, ठीक है, तो आपने रिट पिटिशन फाइल किया लेकिन उसमें ये तो लिखा नहीं कि कौन से फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहे हैं. तो बताने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि रिट पिटिशन केवल फंडामेंटल राइट्स के ब्रीच के लिए ही डाली जाती है, कि आपको पता होना चाहिए कि आप रिट पिटिशन क्यों फाइल कर रहे हैं. तो फिर यू नो एडवोकेट ने जो पिटिशनर थे जो प्रेजेंट कर रहे थे एक्टिविस्ट को, उन्होंने कहा देखिए ये फंडामेंटल राइट टू लाइफ जो एनिमल्स को मिलना चाहिए उसके खिलाफ है. आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट टू लाइफ टू एनिमल्स भी होना चाहिए. फिर जस्टिस के एम जोसेफ ऑफ कोर्स वेंट फर्दर एंड आस्क के ऐसे तो व्हाट अबाउट प्लांट्स देन, यू नो प्लांट्स शुड एक्चुअली आल्सो गेट फंडामेंटल राइट टू लाइफ. तो ये अभी डिस्कस हो रहा है, लेट्स सी व्हाट कम्स अप एज फार एज जलीकट्टू इज कंसर्न. बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं जलीकट्टू में, इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट. जब कोई बहुत यू नो इंपॉर्टेंट केसेस सुने जाते हैं ना, तो उसे हमें डिस्कस करना चाहिए. और जलीकट्टू का केस क्यों डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स का एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट आया गया है, जो ऑफ कोर्स इट इज अप फॉर डिस्कशंस, पब्लिक कमेंट्स के लिए उसे पोस्ट किया गया है वेबसाइट पे, हमने डिस्कस किया है, जिसमें बेसिकली बेस्टियलिटी यानी कि इफ यू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन एनिमल दैट इज ऑल्सो यू नो टर्म्ड एज as cruelty to animals, of course the gravest cruelty to animals. So बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी draft amendments आई हैं, जो penalty है उसको भी बढ़ा दिया गया है, jail term को भी बढ़ा दिया गया है, तो इसीलिए जलीकट्टू केस को भी पढ़ना बहुत important है. Okay, the way जलीकट्टू is being held in Tamil Nadu might be cruel, says Supreme Court. तो Supreme Court ने Wednesday को ये कहा है, देखिए जो spot है जलीकट्टू का, as such वो brutal नहीं हो सकता. देखिए जलीकट्टू Indus Valley civilization की seals में भी यू नो ऐसे ड्राइंग बनी हुई है, कार्विंग हुई हुई है, जिसमें जलीकट्टू का स्पॉट दिखाया गया है, एग्जिबिट किया गया है. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अपने में अगर हम देखें जलीकट्टू ब्रूटल नहीं हो सकता, पर जिस फॉर्म में तमिलनाडु में इसे खेला जा रहा है या होल्ड किया जा रहा है, मे बी दैट इज क्रूअल. ओके, तो ये चीज इन्होंने रखने की कोशिश की है. तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच विच इज ऑफ कोर्स लेड बाय जस्टिस के एम जोसेफ एज आई जस्ट टोल्ड यू, उन्होंने कहा है कि जो प्रिवेंशन ऑफ क्रू, अब देखिए जलीकट्टू एक्सरसाइज को बैन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है, इस बैन को ही बेसिकली आप कह सकते हैं ओवरकम करने के लिए, ओवरपावर करने के लिए तमिलनाडु 2017 में एक्ट लेके आया था, एक प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट, और साथ ही में इसके रूल्स भी आए थे 2017 में ही. तो उन्होंने बेसिकली क्या किया था, उन्होंने काफी सारे यू नो प्रोसीजर्स ले डाउन किए थे दैट यू नो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बुल्स फ्रॉम ब्रूटालिटी, और साथ ही में अगर आप उस तरह के रूल्स को वायलेट करेंगे तो यू वुड ऑफ कोर्स अट्रैक्ट पीनल एक्शन. तो यू नो वही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा तो वो एक्ट तो है ना. तो यू नो बेसिकली अब हम देखते हैं आगे इन्होंने क्या बोला. जो जस्टिस अजय रस्तोगी हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने कहा सपोज जलीकट्टू इज द ओनली वे. अब देखिए
इन्होंने डिस्कशन बहुत फार रीचिंग हो सकती है, कोई भी केस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या निकल के आता है फिर वो स्टेटमेंट्स के रूप में आपके यू नो प्रीलिम्स में बन जाता है. सो यू विल हैव टू हैव अ यू नो गुड आई एट द केस, कैसे उसको कंडक्ट किया जा रहा है, क्या क्या डिस्कशन हो रही हैं. तो वैसे इसमें इन्होंने पूछा कि जैसे आप सपोज कीजिए आप एक यू नो बहुत एक पुअर मैन है और एक स्वयंबर टाइप है, कुछ भी आप समझ सकते हैं, और आपको लैंडलॉर्ड की जो लोकल लैंडलॉर्ड की डॉटर है उनसे शादी करनी है, लेकिन शर्त ये है कि आप उनके जो सींग है बुल के उसको टेम कर पाएंगे या फिर उस पर कंट्रोल पा पाएंगे या उनके जो सींगों पे फ्लैग लगा हुआ है उसको पकड़ पाएंगे तो ही आपके साथ ये होगा. तो क्या ये क्रुएलिटी नहीं है यंग मैन के साथ, ये जस्टिस ने पूछा है. ओके तो ये चीज यहाँ पे लिखी है. ओके इट इज नॉट क्रुएलिटी. अब साथ में अगर हम देखें एडवोकेट ने क्या कहा है, इट इज नॉट क्रुएलिटी, क्रुएलिटी नहीं है, इट इज जस्ट डिप्राइवेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी. ये सिर्फ डिप्राइवेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो यंग मैन को नहीं मिल रही है कि उसे अगर अपनी पोजिशन को एडवांस करना है, पुअर से ऊपर बढ़ना है या जो भी, ठीक है, उसकी अपॉर्चुनिटी उससे छीनी जा रही है. क्रुएलिटी तो एनिमल के साथ हो रही है ना, बिकॉज अगेन इट इज अबाउट द चॉइस. आप उसको आप उनसे पूछ ही नहीं रहे, आप यू नो उनको एक स्पॉट में इन्वॉल्व कर रहे हो लेकिन उनसे पूछ ही नहीं रहे दैट यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट और नॉट, ये एडवोकेट का कहना है. ओके तो ये चीज लिखी है. और साथ ही में और अगर हम देखें परफॉर्मड फॉलोइंग अ सेट ऑफ रूल्स और नॉट, ही सेड दैट द बेसिक इशू हियर वाज दैट जल्लीकट्टू वाज एंटीथेटिकल टू द वेरी नेचर एंड बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द बुल अ बोवाइन एनिमल. ही सेड इट वाज क्रुएलिटी प्योर टू कंपेल अ फ्राइटेंड choiceless animal to suffer pain. तो बात यहाँ पे choice की है. ओके तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है. अब देखिए एक और चीज मैं जो आपको बताना चाहूंगी, जस्टिस रस्तोगी ने फिर बोला देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ खुद को रूल्स तक कन्फाइन करना चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, चॉइस वगैरह ये सब इस पर हमें नहीं जाना चाहिए. अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है, यहाँ लिखा नहीं है पर अगर आपने किसी भी चीज को सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाई कर देती है, ठीक है, जैसे ए के गोपालन केस में क्या हुआ था, जो ए के गोपालन थे जो एक मार्क्सिस्ट लीडर थे, कम्युनिस्ट पार्टी लीडर थे, तो उन्होंने वो बेसिकली जब जेल में थे प्रिवेंटिव डिटेंशन की वजह से, तो उन्होंने यू नो पिटिशन डाली, तो उनकी पिटिशन रिट पिटिशन डाली आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में. तो ये 1950 का केस है. तो जब उन्होंने डाली तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उनके रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया ये कह के कि देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है यूएस की तरह हमारे यहाँ पे. तो अगर एक प्रोसीजर है एक लॉ का, एक लॉ एग्जिस्ट करता था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 था उस समय, ठीक है, जब एक लॉ एग्जिस्ट करता है उसका प्रोसीजर ये कहता है कि अगर कोई भी इस तरह का थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ या कुछ भी तो उसको प्रिवेंटिवली डिटेन किया जा सकता है. तो इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते. आप हमें कह रहे हो ये लॉ ही बेकार है, ड्रिकोनियन है, ये तो हम नहीं कंसिडर कर सकते. तो वही जस्टिस रस्तोगी ने भी इस जगह ऐसे मतलब बातें बातें करते बोला है कि हमें खुद को रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या रूल्स हैं, हमें इस पर जाना चाहिए क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ड्यू प्रोसेस है कि नहीं है, इसको फॉलो इसको नहीं देखना चाहिए. ओके तो ये चीज, लेकिन सीनियर एडवोकेट ने बोला कि नहीं आपको तो बिल्कुल एफिकेसी ऑफ द लॉ को भी देखना चाहिए, लॉ फॉलो हो रहा है सही से कि नहीं हो रहा, उसके रूल्स ऐसे ही हैं बस बन गए हैं कि नहीं. ओके अब देखिए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है जो क्वेश्चन, या मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कभी ना कभी तो आएगा. लेट्स सी व्हेन. पीपल हैव बीन यू नो expecting this question from last 3-4 years but it hasn't popped up as of yet but it would someday. तो इसीलिए कुछ examples आपको पता होने चाहिए, ठीक है, तो कुछ examples आपको जो पता होने चाहिए उसमें से एक example ये है that Kerala's man-animal conflict mitigation team selected for Wildlife Trust of India award. अब किसी team को अगर award मिला है तो वो कुछ अच्छा कर रहे होंगे, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि केरला के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 8 मेंबर ये टीम है उनको अवार्ड मिला है. अब क्यों मिला है हम ब्रीफली देख लेते हैं क्योंकि ये एग्जांपल है, इससे ज्यादा और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे. तो एक 8 मेंबर टीम है फ्रॉम चिन्नाकनल, तो चिन्नाकनल की जो एक केरला की टीम है उनको बेसिकली यू नो अवार्ड दिया जा रहा है फॉर ब्रिंगिंग डाउन इंसिडेंट्स ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इन द चिन्नाकनल रीजन. ओके तो क्या इन्होंने बेसिकली किया है, तो देखिए क्या हुआ था, अ सीनियर ऑफिशियल सेड दैट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैड टेकन केयर टू मिटिगेट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इन द चिन्नाकनल रीजन. कब उनको ये चीज लगी कि हमें इसमें यू नो एफर्ट्स डालने चाहिए, जब एक 60 साल के यू नो आदमी थे उनको बेसिकली ही वाज ट्रैम्पल्ड टू डेथ बाय अ वाइल्ड एलिफेंट. तो उसके बाद उनको लगा मार्च की ये बात है कि हमें डेफिनेटली कुछ इस बारे में करना चाहिए. ओके तो फिर इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक 8 मेंबर की टीम बनाई, ठीक है,
बेसिकली ये कैसे प्रोवाइड करते हैं, आप देखिए वाइल्ड एलिफेंट्स अगर उस एरिया में है, आपको ये बात पता है, आप बहुत विसिनिटी में रहते हो, ऑफ कोर्स बहुत सारे नेचुरल रिजर्व्स, बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स, सेंचुरीज है ना, ये सब कुछ एग्जिस्ट करते हैं केरला में, वेस्टर्न घाट्स के आप बिल्कुल विसिनिटी में रहते हैं। तो इस पे बेसिकली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या टीम है जो 8 मेंबर की, वो क्या करते हैं कि कहाँ कहाँ यू नो वाइल्ड एलिफेंट्स जा रहे हैं, दे स्टार्ट देयर वर्क एट यू नो अराउंड 5 AM इन द मॉर्निंग एंड दे फिनिश अराउंड मिडनाइट, बाय अराउंड मिडनाइट, विच इज ऑफकोर्स ह्यूज, इट इज कमेंडेबल। तो क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ यू नो अब वाइल्ड एलिफेंट पहुंच गया, उसको ट्रैक कर करके अब कहाँ है चिन्ना कनल में। तो इससे क्या, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से वो बताते रहते हैं कहाँ कहाँ मूवमेंट्स है, ताकि यू remain aware of the presence of wild elephants around yourself, so that you don't step out if you know the animal is there, you don't go there. Okay, so this is how they're working. अब देखिए पंचायती राज में भी मैंने आपको एक बार, आपको याद होगा ग्राम सभा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ग्राम सभा okay good, but the fact आप कहते हैं कि meetings होनी चाहिए और meetings को record करना चाहिए ये सब वगैरह, पर meetings attend कितने लोग कर रहे हैं, ठीक है आप ज़बरदस्ती attend भी करवा लेंगे लेकिन कितने लोग बोल रहे हैं उसमें, ये तो cosmetic एक वो हो गया कि you know ग्राम सभा की meetings वो होनी चाहिए, तो इससे आप इंश्योर कर लोगे क्या सही representativeness नहीं होगा ना। तो आप WhatsApp groups बनाइए, टेक्नोलॉजी का यू नो असली इस्तेमाल कीजिए, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाइए, छोटे छोटे लोगों का ग्रुप के यू नो उनसे स्पेसिफिकली पूछिए, ऑफ कोर्स ज्यादा आवाज आएगी, फिर उसको क्यूमुलेट कीजिए एंड देन सिट डाउन विद इट, ओके ये प्रोजेक्ट लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए, देन यू वुड हैव अ बेटर एनालिसिस ऑफ एवरीथिंग, देन यू कैड लीड टू अ बेटर डिसीजन मेकिंग। ओके तो यही चीज यहाँ पे भी है, 16 ड्रोन्स शॉट डाउन अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर दिस ईयर BSF। तो फाइनली क्या हुआ है, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था एक ऑल वुमेन जो BSF यू नो टीम थी जिसमें आई थिंक 2 लोग थे, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, एक नारकोटिक्स को ले जाता हुआ जो पाकिस्तान का एक ड्रोन था उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया था, ये हुआ था। तो वैसे ही अब इसी के कंटिन्यूएंस में हम देख रहे हैं जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसने कम से कम 16 ड्रोन्स को देव शॉट डाउन you know along the Pakistan border this year, इस साल में, ठीक है, और mostly ये जम्मू कश्मीर और पंजाब region के साथ, जो हमारा border लगता है पाकिस्तान के साथ वो region है, ठीक है। तो देखिए drones again, you know when you read internal security now drones is the new rub, you will have to read it properly, क्योंकि drones का जो misuse terrorists द्वारा हो रहा है, you know no wonder question ये भी बन सकता है, due to the proliferation of technologies terrorism has taken a new stance, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, आए दिन अब no money for terror conference हो रही है, या United Nations Security Council की counter terrorism summit हो रही है, conference हो रही है, इसमें क्या बोला जा रहा है बार बार, cryptocurrency, now cryptocurrency is a new thing, ओके फिर उसके साथ साथ ड्रोन्स ऑफ कोर्स टेररिज्म का एक बहुत बड़ा माध्यम है, तो हम देख रहे हैं कि टेररिज्म नहीं तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो चल रहा है, तो ऑफ कोर्स पे अटेंशन टू टेक्नोलॉजी एंड टेररिज्म का नेक्सस। साथ ही में जो हम अभी देख रहे हैं जो क्राउड फंडिंग, सोशल मीडिया क्राउड फंडिंग की बात चल रही है कि बहुत सारी इस तरह की यू नो फेसबुक पे किसी गलत एक्ट के लिए भगवान के नाम पे या किसी और नाम पे डोनेशन फंडिंग इकट्ठी की जाती है ताकि उसको वो एक्ट पूरा करने के लिए यूज की जा सके, ये एक तरीका है, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी टेररिज्म का नेक्सस है ये। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, बाकी आई वुड रेकमेंड यू रीड ऑन इट ऑन योर ओन। ऑलराइट, तो ड्रोन्स हैव इमर्ज एज वन ऑफ द की चैलेंजेस फॉर द फोर्स दैट गार्ड्स द बॉर्डर, ओके एज इट डज नॉट हैव अ फूल प्रूफ, ओके तो चैलेंज क्यों है ड्रोन्स का यूज जो यू नो ऑर्गेनाइज क्राइम क्रिमिनल्स द्वारा यूज किया जाता है, क्योंकि कोई फूल प्रूफ एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है अभी तक, ऑफ कोर्स द वर्क इज गोइंग ऑन, रिसर्च इज गोइंग ऑन, बट यू नो एट द मोमेंट वी डोंट हैव एनीथिंग कॉन्क्रीट इन आवर हैंड्स, ओके तो इसीलिए बेसिकली क्या करना पड़ता है, यूजुअली यू नो क्या करते हैं, रात के समय में एंटर करते हैं इस तरह के ड्रोन्स, ठीक है, तो फिर इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम, आप कैसे यू नो कान को ग्राउंड पे लगा के सुन पाएंगे कि ड्रोन कोई एंटर कर रहा है, वो वाइब्रेशन या ऐसे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, बट फिर भी हमने 16 ड्रोन्स को यू नो शूट डाउन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए क्या है, एक और चीज पता चली कि जो ड्रोन्स है ना, ये ड्रोन्स किसी आइटम के साथ आते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, नारकोटिक्स या कुछ भी इस तरह की इलीगल आइटम, फिर अब जब वो किसी चीज को लेके आ रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐसे खुले में तो एग्रीकल्चरल लैंड में खाद की तरह तो फेंक के नहीं चले जाएंगे, ऑफकोर्स देर इज समबडी जिसको वो पहुंचाना है उन्होंने अपना असाइनमेंट, ठीक है, तो देर इज समबडी ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर, यानी कि इंडिया के साइड पे कोई है जो उसको कलेक्ट करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट है इस चीज में। सो वॉट यू डू इज नॉट जस्ट एट द बॉर्डर, यू विल हैव टू इंक्रीज योर पेट्रोलिंग टू अ फार बियॉन्ड रीजन इनसाइड, ओके तो ये चीज
यू नो बीएसएफ को पता चली और उन्होंने ये चीज अप्लाई भी की. ओके आफ्टर दे फाउंड आउट दैट ड्यूरिंग एंड दे फाउंड दिस आउट आफ्टर एन इंटरोगेशन ऑफ एन एक्यूज. ठीक है कि ऐसे ड्रोन आते हैं दे ड्रॉप देयर आइटम्स एंड देयर समबडी हुज ऑन दिस साइड द बॉर्डर हु एक्चुअली कलेक्ट दैट. तो ये चीज ठीक है. तो अब देखिए ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक्चुअल में जो ड्रोन्स का ही पॉइंट लिख रहे हैं ना तो सब लिखेंगे ड्रोन्स है ना ये एक नया चैलेंज है एंड ऑल दैट क्लीशे. तो आप ये लिखिए कि इसके साथ साथ ऑफ कोर्स देयर इज समबडी हु इज कलेक्टिंग इट सो यू विल हैव टू इंक्रीज द पेट्रोलिंग एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. ये चीज बहुत डीप है. टेररिज्म का इशू यू नो बहुत डीप है क्योंकि अगर लोकल्स इस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सबसे पहले तो यू नो किसी तरह की ये बताना कि आप भारतीय ही हैं आप क्यों मतलब इन चीजों में इन्वॉल्व हैं. वेल दैट्स अ डिफरेंट थिंग. हैड अ यूनिक चिप. अब देखिए ड्रोन्स यूजुअली एक बहुत यूनिक चिप होती है हर ड्रोन में जो इन्फॉर्मेशन कैरी करती है वो चिप कि कहाँ उसका पाथ होना चाहिए फ्लाइट पाथ और बाकी डिटेल्स कहाँ जाना है किसको देना है क्या मतलब इस तरह की चीजें ये लोकेशन पर रुकना है. तो इस एनालिसिस के बेसिस पे बीएसएफ ने एक प्रिसाइज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को यू नो बेसिकली यू नो पास किया टू द पंजाब पुलिस हु अरेस्टेड 8 persons फॉर स्मगलिंग ड्रग्स बाई यूजिंग इट. इट वॉज फाउंड दैट ऑल 8 वर प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ अ सिमिलर क्राइम. ओके तो यही चीज. ओके जामियात उलामा हिंद सीख्स SC स्टेटस फॉर दलित मुस्लिम्स. तो क्या हुआ है ऑलरेडी एक पिटिशन एग्जिस्ट करती है सुप्रीम कोर्ट में जो चाहती है कि स्केड्यूल्ड कास्ट स्टेटस मिले क्रिश्चियंस दलित क्रिश्चियंस को. तो उसी को ज्वाइन करते हुए एक ओल्डेस्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो भारत की है उन्होंने इट हैज बिकम द फर्स्ट मुस्लिम बॉडी टू एक्सेप्ट जो कास्ट बेस्ड पासमानदा मुस्लिम आइडेंटिटी है कम्युनिटी मेंबर्स की उनकी. जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा हमारे इसमें भी ये सोशल हायरार्की है सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट करेंगे ना तब तो उनके लिए कुछ किया जाएगा. तो ये पहली मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक्सेप्ट किया ओके दिस काइंड ऑफ सोशल हायरार्की डज एग्जिस्ट एंड समथिंग नीड्स टू बी डन फॉर देम. ओके तो इन्होंने बेसिकली इस पिटिशन में एक पार्टिसिपेंट बनने के लिए ये आप कह सकते हैं पिटिशन फाइल की है इसी पिटिशन में यू नो पार्टिसिपेंट बनने के लिए कि यू नो दलित मुस्लिम्स को बेसिकली रिजर्वेशन मिलने चाहिए जॉब्स और यू नो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस बिकॉज दिस अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स आल्सो व्हिच इज इन्वॉल्वड इन इट सो वी कांट रियली से एनीथिंग concretely about it. इससे पहले कि कुछ you know articles हम discuss करें I would want to discuss this article because I found it actually very interesting. Okay, 160 to 200 million Indians could be exposed to lethal heat waves annually, World Bank report. Now this is something humongous. तो क्या हुआ है 2030 onwards basically 160 million से 200 million लोग जो हैं भारतीय वो exposed हो सकते हैं lethal heat waves के लिए every year and nearly 34 million Indians actually will face job losses जो heat stress related productivity decline है उस वजह से. देखिए heat waves की वजह से बहुत तरह की diarrhea बहुत हम कहते हैं बहुत सारी दिक्कतें आती हैं तो उस वजह से productivity decline होती है. you would you know choose to be absent you would take a leave and sit back home and of course that would lead to job losses. okay that could happen. तो इस वजह से 34 million Indians would face this scenario. 2037 तक demand for cooling. अब देखिए heat बढ़ रही है global warming हो रही है तो demand for cooling भी तो बढ़ेगी. it is likely to be 8 times more than the current level. ये वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है. तो इस सिनेरियो में बेसिकली ये बहुत नेसेसरी है इंडिया के लिए कि वो जितने भी अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है ये तो एक लूप बन जाएगा ना. अभी क्या है ग्लोबल वार्मिंग है तो फिर यू नो हीट ज्यादा हो गई तो नए रेफ्रिजरेटर चाहिए या फिर नए यू नो एयर कंडीशनर चाहिए. अब नए एयर कंडीशनर चाहिए नए रेफ्रिजरेंट्स चाहिए तो उसमें से रिलीज होंगे ग्लोबल यू नो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस तो फिर और ग्लोबल वार्मिंग होगी फिर और हीट वेव बढ़ेगी फिर और यू नो एयर कंडीशनर की जरूरत होगी तो ये तो लूप ही बन जाएगा. तो आपको क्या करना है बेसिकली ऑल्टरनेटिव और इनोवेटिव एनर्जी एफिशियंट टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय करना है. कूलिंग इज अ नेसेसिटी. आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि नहीं कूलिंग छोड़ो बस अंदर फील करो कि नहीं है सर्दी है सब कुछ कूल ही है गर्मी नहीं है ऐसा नहीं कर सकते. आपको उनको नेसेसिटी को प्रोवाइड करना पड़ेगा और भारत इस चीज में काफी ऑलरेडी एक आप कह सकते हैं स्मार्ट कंट्री है ऑलरेडी इस तरह का एक्शन प्लान लेके आया हुआ है जिसे आप जानते हैं इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान 2019 का.
ओके, इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ब्रीफली है क्या, तो हम देख लेते हैं यहाँ लिखा क्या है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर। अब ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी साथ में, क्योंकि यू नो ये तो इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान भी कहता है जॉब्स बढ़ेंगी और स्किलिंग करना पड़ेगा एयर कंडीशनर या फिर इस तरह के सेक्टर्स के लिए लोगों की, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, बाहर की कंट्रीज आएंगी कि ये देखिए एफिशिएंसी देखिए हमारे एयर कंडीशनर की, 5-star रेटिंग, ये वो, ये सब कुछ आएगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज आएंगी तो वो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आएगी, ठीक है। सो दिस कुड ओपन एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ अराउंड $1.6 trillion by 2040, besides reducing greenhouse gas emissions significantly and creating 3.7 million jobs, okay? यही चीज यहाँ पे लिखी है। अब देखिए, with the demand for cooling shooting up, there will be a demand for a new air conditioner. अब ये बहुत बहुत you know fascinating है, fascinating in the sense सुनने में बहुत वो लग रहा है, पर काफी आप कहेंगे कि कैसे चेंज हो रहा है, ये अपने में startling fact है कि इतनी ज्यादा कूलिंग डिमांड बढ़ जाएगी कि हर 15 सेकेंड में एक एयर कंडीशनर, एक नए एयर कंडीशनर की डिमांड जनरेट होगी, ये रिपोर्ट ने कहा है। लीडिंग, अब देखिए इस तरह की जो चीजें होती है ना, एवरी 15 सेकेंड, अब सुनने में कितना मजा सा आ गया, जबकि बुरी बात है, पर आप ये फिर कहाँ लिखेंगे, ऐसे में लिखेंगे, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड इट। द रिपोर्ट सेड लीडिंग टू एन एक्सपेक्टेड राइज ऑफ 435% इन एनुअल ग्रीन हाउस। अब वही एयर कंडीशनर की अगर डिमांड बढ़ेगी तो 435% एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस अगले 20 सालों में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको शिफ्ट करना पड़ेगा टू अ मोर एनर्जी एफिशिएंट पाथवे, जिससे बेसिकली आप कूलिंग तो प्रोवाइड करें लेकिन CO2 लेवल्स को कम करते करते प्रोवाइड करें। अब वो कैसे हो सकता है, अभी हम देखेंगे, ओके? तो यहाँ पे क्या लिखा है, अब देखिए इन्होंने बोला है, रिपोर्ट ने प्रपोज किया है कि बेसिकली हमें सपोर्ट करना चाहिए और सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंटेलिटीज लेके आने चाहिए, किसके लिए, न्यू दिल्ली के इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के लिए 2019 के, जिससे बेसिकली नई तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 3 मेजर सेक्टर्स में। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि जिस तरह के घर बन रहे हैं, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो कूलिंग डिमांड्स को बहुत इनोवेटिवली केटर कर सकती हैं। कोल्ड चेन्स क्या होते हैं, जो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, देखिए कूलिंग डिमांड केवल आप समझ रहे हैं अगर कि आपके घरों से आएगी, नहीं, एग्रीकल्चर से भी तो आएगी। जब यू नो अभी उन्होंने उपज की और वो खराब हो जाएगी इतनी जल्दी, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो उनको कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर तो देना पड़ेगा ना, तो कूलिंग डिमांड तो यहाँ से भी आएगी, ठीक है। तो कोल्ड चेन्स को भी आप इनोवेटिवली यू नो एफिशियंट बनाइए, वो देखेंगे हम कैसे। और रेफ्रिजरेंट्स, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, कोल्ड चेन्स के लिए हमें कूल हाउसेस चाहिए बेसिकली, ठीक है। कोल्ड चेन्स चाहिए होंगी एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए, एटलीस्ट जब तक उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तब तक तो बचाने के लिए, ठीक है। और साथ ही में रेफ्रिजरेंट चाहिए होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब आपने कुछ बना के रखा है, आप फ्रूट्स लेके आए हैं, फिर फ्रूट्स को ओपन में नहीं रख सकते, जब एक फार्मर उन्हें ओपन में नहीं रख सकता क्योंकि वो खराब हो जाएंगे, इतनी वार्मिंग है, इतनी हीट वेव्स है, तो आप कैसे उसको घर पे लाके एक ही सेकंड में तो खा नहीं लेंगे उसको, ऑफकोर्स यू वुड नीड मोर रेफ्रिजरेंट्स। तो ये चीजों पर इन्होंने बोला है, अडॉप्टिंग क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव कूलिंग टेक्निक्स एज अ नॉर्म इन बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट फंडेड कंस्ट्रक्शन कैन एंश्योर दैट दोज एट द बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक लैडर आर नॉट डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय राइजिंग टेम्परेचर्स। और रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है इंडिया का जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम है पुअर के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो इन तरह की यू नो चीजों को अडॉप्ट कर सकता है। और ये सब कुछ ऑलरेडी इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान प्रोवाइड करता है, जो इन्होंने कहा है वो आप समझ सकते हैं, जो सजेशन है बेसिकली इनकी, वो आप समझ सकते हैं ऑलरेडी इंडिया इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है, बस थोड़ा समय लगेगा हमें, ओके। इट प्रपोज्ड इनएक्टिंग अ पॉलिसी, और साथ ही में इन्होंने बोला है कि आप एक नई पॉलिसी लेके आ सकते हैं, इनएक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कूलिंग के लिए, which could lead to the consumption of 20 to 30% less power than the most efficient conventional cooling solutions. District cooling technologies generate chilled water in a, अब देखिए district यानी कि क्या होगा, एक district है, एक district में एक centralized plant लगा हुआ है, वो क्या करेंगे, chilled water को generate करेंगे, ठीक है। तो फिर इसको distribute कर दिया जाएगा हर building via an underground insulated pipe, ओके? तो ये हो गया, इससे काफी एफिशिएंट आप समझ सकते हैं कूलिंग टेक्नोलॉजी है ये, आप समझने की कोशिश कीजिए, इससे क्या होगा, हर घर में रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो दिस इज नॉट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्रैक्टिस, या इस तरह की पॉलिसी आ सकती है।
This brings down the cost of providing cooling to individual buildings. Apart from this, guidelines for implementation of local and city-wide urban cooling measures, such as cool roofs. Of course, ये हो सकता है building construction में cool roofs बन सकती है. It could be considered. India's cooling strategy can help save lives and livelihoods and reduce carbon emissions. तो अब देखिए, अगर मैं बहुत briefly आपको बताऊँ India Cooling Action Plan के बारे में, तो basically what it aims to provide is sustainable cooling. Cooling तो provide करनी है क्योंकि हमें भी पता है कि demand होगी. किसको नहीं पता कि global warming हो रही है और cooling की demand increase होगी. वो हमें पता है. हम उस डिमांड को केटर करना चाहते हैं बट इन अ सस्टेनेबल वे. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो बेसिकली ये जो प्लान है ये 20 साल का पर्सपेक्टिव दिमाग में लेके चलता है कि हमें प्रोजेक्शंस को, बेसिकली क्या प्रोजेक्शन हो सकती है कूलिंग नीड की, उसको देखना है 2037 तक. जो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे लिखा है यही 2037-38 तक, हमें भी ये हमारा एक्शन प्लान भी यही कहता है. तो आप देखेंगे कि कैसे यू नो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में कूलिंग रिक्वायरमेंट्स की असेसमेंट करेंगे, कितनी हो सकती है, कितनी डिमांड हो सकती है डेली भी. ओके, ये सारी चीजें. फिर इफ यू गेट टू नो व्हाट द डिमांड इज, देन यू वुड सिट डाउन एंड थिंक ओके हाउ टू मीट दैम. यू वुड मैप द टेक्नोलॉजीज अवेलेबल, कौन सी अवेलेबल है ऑलरेडी. अच्छा, ये गंदी है तो हमें फिर ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना पड़ेगा. फॉर दैट वॉट वुड यू डू, ऑफकोर्स यू वुड कम अप विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन इको सिस्टम फॉर यू नो द पीपल वुड एक्चुअली डेवलप इट. आप स्किल करेंगे, फोकस करेंगे स्किलिंग पे, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सर्विस टेक्नीशियंस की. ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें बेसिकली इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान बात करता है. ये प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह और यू नो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह की ऑलरेडी बातें करता है. ओके, सुप्रीम कोर्ट सीक्स सेंटर्स रिस्पॉन्स ऑन इवॉल्विंग अ प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. तो बेसिकली क्या है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं किस तरह का थ्रेट ये फेस करती है ऑलरेडी आप जानते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को सरकार से पूछा कि आप प्लीज हमें बस एक बात का जवाब दोगे कि क्या हम एक प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चालू नहीं कर सकते, जैसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर किया था जिसकी वजह से हमें पूरी दुनिया ने अपलॉड किया और हमने एक्चुअल में टाइगर्स को कंजर्व कर लिया, सो मच सो के उनका प्रोडक्टिविटी, उनकी फर्टिलिटी भी आज एकदम इंश्योर्ड है एंड यू नो पॉपुलेशन इज वेल सेव्ड कंजर्व्ड. ओके, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है उसके लिए. तो ये उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि आप टाइम ले लीजिए, यू सिट विद यू नो द मिनिस्टर, यू नो हैव अ वर्ड विद हिम और प्लीज कम बैक टू अस ऑन इट. आप वापस हमारे पास आएंगे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कहा है. ओके, तो और साथ ही में अभी क्या चल रहा है, यू नो किस तरह का थ्रेट फेस कर रहे हैं गुजरात और राजस्थान में, ये बहुत आप जानते हैं ऑलरेडी. जो यू नो ट्रांसमिशन लाइन्स है, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स है, उससे टकरा के बेसिकली, ठीक है, इस वजह से ये फेस कर रही है. तो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह ये भी कहा था एक रूलिंग में कि आप क्या करिए, अंडरग्राउंड कर दीजिए ताकि ट्रांसमिशन लाइन अगर एयर में से हैंग करेंगे तो कोई दिक्कत आती है ना बर्ड्स को, तो आप अंडरग्राउंड कर दीजिए, यू नो ट्राई इट आउट. क्योंकि कुछ पर्टिकुलर जगहें ये तो है, यू नो आइडेंटिफाई देम जहां पे ट्रांसमिशन लाइन ऐसे लूजली हैंग कर रही है एंड डील विद इट, अंडरग्राउंड कर दीजिए उसको. तो ये ऑलरेडी कुछ बैकग्राउंड आपको पता है. In its order, the special bench, including Justices A.S. Bopanna and V. Ramasubramaniam, directed the chief secretaries, jo hain basically Gujarat aur Rajasthan ke, aap kya kariye, unko bola gaya hai, you undertake and complete a comprehensive exercise within 4 weeks so that you find out kitni total length hai transmission lines ki, jo question mein hai, jiski wajah se particular districts mein bahut jaane ja rahi hain birds ki. Okay, and the number of bird diverters required in the priority areas. कितने, अब देखिए bird diverters कुछ you know बहुत सारी चीजें हो सकती है. बहुत सारे recommendations ये हैं कि बर्ड डाइवर्टर्स लगाए जा सकते हैं कि डायरेक्शन पता चल जाए, क्योंकि यही तो वो दूर से दिखते नहीं है ट्रांसमिशन लाइन्स, या फिर उस पर कोई नियॉन लाइट्स हो या कुछ भी हो, रात को तो वैसे ही नहीं दिखती, तो इस वजह से वो यू नो इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है बर्ड्स की. तो समथिंग मस्ट हैपन. किस किस जगह पे चाहिए डाइवर्टर्स, कितने चाहिए, यू फिगर इट आउट इन द नेक्स्ट 4 weeks. ओके, आई मीन इन द नेक्स्ट मंथ. अब देखिए यहाँ क्या है बहुत इंटरेस्टिंग, ये चीज़ तो शायद मतलब जब हमने जीएम मस्टर्ड के बारे में इतना डिटेल में सब कुछ कवर किया, एडिटोरियल्स वो पॉपिंग अप एवरी सिंगल डे, बट आई डेंट सी इवन अ सिंगल पर्सन, इवन अ सिंगल यू नो एक्सपर्ट टॉकिंग अबाउट इट. बट सुप्रीम कोर्ट बींग सुप्रीम कोर्ट, इट हैज कम फ्रॉम इट. क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट वरीड ओवर इफेक्टिव जीएम क्रॉप्स ऑन लाइवलीहुड ऑफ विमेन फार्म लेबरर्स. अब देखिए ये एक विमेन जज की तरफ से ही आई है, इट मेक्स इट इवन मोर यू नो नाइसर कि बेसिकली आपको ये बात पता है जो नई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो पहली विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी आने वाले टाइम में, जस्टिस बी वी नागरत्ना, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की. हम देखते हैं क्या.
तो सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को एक्सप्रेस किया है अपने कंसर्न को कि देखिए थाउजेंड्स ऑफ वुमेन एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं रूरल एरियाज में, और देखिए इस पे कोई डाउट नहीं है, ये है रूरल लेबरर्स, रूरल वुमेन लेबरर्स एग्जिस्ट करती हैं जो एग्रीकल्चर में काम करती है, नाउ दिस इज बियॉन्ड क्वेश्चन, बट यू डोंट अंडरस्टैंड वो ट्रेडिशनली एंगेज्ड हैं, एम्प्लॉयड हैं इन डी वीडिंग, जो वीड्स होते हैं उसको निकालने के उनकी जॉब उनको दिया जाता है, यू नो दिहाड़ी पे काम करते हैं बहुत सारे लोग इस चीज के लिए, तो यू नो आरंट यू कंसिडरिंग द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ जीएम क्रॉप्स कि इस वजह से ये अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे या जिस वजह से ये अपना पेट पाल रहे हैं पिछले कितने सालों से, ट्रेडिशनली वो उनकी जॉब चली जाएगी इस चीज की वजह से, तो ये इन्होंने कहा है जीएम मस्टर्ड नहीं, इन्होंने बेसिकली होलिस्टिकली जीएम क्रॉप्स की बात की है, क्योंकि जीएम क्रॉप्स क्या होते हैं अगर हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स की बात करें तो आप क्या करते हैं कि वीड्स ही मरेंगे उससे, सिर्फ क्रॉप्स मरेंगे नहीं, तो फिर आप कितना भी छिड़कते रहो तो फार्मर्स तो इनडिस्क्रिमिनेटली कितना भी छिड़कते रहेंगे वीड्स ने मर जाना है, उनको कुछ होना नहीं, तो इससे एक और चीज हो जाएगी फील्ड में जो इतना टॉक्सिक मटेरियल केमिकल मटेरियल पड़ा रहेगा वो, है ना, सो दैट इज एक्चुअली द कंसर्न, तो वीडिंग की जरूरत है नहीं, डी वीडिंग की जरूरत है नहीं बेसिकली, है ना, तो इन रूरल एरियाज वेमेन आर एक्सपर्ट्स इन रिमूविंग वीड्स, दे आर अ पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया, इट ब्रिंग्स देम एम्प्लॉयमेंट, यू नो, अब ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वेमेन ने ही एक्चुअली एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था, और उनके उससे पहले तो सब नोमैड्स हुआ करते थे ना, एवरीबडी यूज टू, कोई सेटल्ड एग्रीकल्चर उससे पहले था ही नहीं, सेटलमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती थी, इधर से उधर आपको जाना होता था, जहाँ पे खाना मिल जाए वहाँ थोड़े दिन के, एक दो दिन के लिए रुक गए, फिर और चले, फिर इधर फिर उधर, ठीक है, तो इट वॉज बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर विच वॉज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ वुमेन, एंड हेंस वी सॉ स्प्राउटिंग ऑफ मेनी मेनी सिविलाइजेशंस आफ्टर दैट, ओके, तो ये चीज बेसिकली यहाँ पे लिखी है. सीनियर एडवोकेट संजय पारे फॉर अ पिटिशनर सेड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ, वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट की जो खुद की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है TEC, उन्होंने भी कहा है कि जो GM क्रॉप्स हैं वो अच्छा है, मतलब वो बाहर की कंट्रीज के लिए सही है पर इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं है, तो यू नो इन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट यस मे बी गुड, वेरी गुड, बिकॉज दे हैव लार्ज फार्म्स, इतना एम्प्लॉयमेंट वाली चीज है नहीं वहाँ पे, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, पर यहाँ की एम्प्लॉयमेंट खत्म कर देंगे, जो बेसिक छोटी 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 एम्प्लॉयमेंट है वो खत्म हो जाएगी यहाँ पे, तो ये टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने भी अपना यू नो, अब गवर्नमेंट इज ऑफकोर्स सेट टू टॉक ऑन इट एक दो दिन बाद, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे. वाई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्लॉज वेंट एन अनचैलेंज, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को ऐसी पिटिशनर्स को बोला कि आप पहले ये तो बताइए कि मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज ही नहीं किया एक स्पेसिफिक, देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो पिटिशनर्स है ना, जो धारा 370 को स्ट्राइक डाउन किया गया, फिर यूनियन टेरिटरी बनाई गई, है ना, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई, ये सब कुछ वगैरह, तो पिटिशनर्स ने बेसिकली, इफ आई जस्ट गो थ्रू इट, पिटिशनर्स ने सिर्फ एक लिमिटेड चैलेंज डाला है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है जो सेंटर ने इशू किया मार्च 2020 में, जहाँ पे बेसिकली उन्होंने एस्टैब्लिश किया जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन को, ठीक है, और दूसरा उनका चैलेंज और दूसरी एक और नोटिफिकेशन जो मार्च 2021 में लाई गई, यू नो थ्रू विच इट एक्सटेंडेड इट्स टर्म फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग डीलिमिटेशन ओनली फॉर जम्मू एंड कश्मीर, तो उन्होंने इस डीलिमिटेशन कमीशन जिसको स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया उसको चैलेंज किया पिटिशनर्स ने, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखिए आपका तो बहुत लिमिटेड चैलेंज है, आपने उसको चैलेंज क्यों नहीं किया जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एक सेक्शन है सेक्शन 62 क्लॉज 2 जो बेसिकली क्या कहता है, आप सोर्स को उसके स्रोत को उसके रूट को तो चैलेंज करो, आपने तो सुपरफिशियल चीज को चैलेंज कर दिया, नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया, तो जो सेक्शन 62 क्लॉज 2 है 2019 की एक्ट का वो कहता है दैट यू नो यू हैव टू प्रोवाइड फॉर द रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू बी कैरीड आउट बाय द डीलिमिटेशन कमीशन, तो डीलिमिटेशन कमीशन बनाई इसलिए गई ना क्योंकि ऐसी पावर इस एक्ट ने दी इस सेक्शन के माध्यम से, तो सोर्स को क्यों नहीं चैलेंज किया आपने, तो बड़ा अमेजिंग बात कर दिया आपने, आपने सिर्फ सुपरफिशियल चीजों को चैलेंज कर दिया. द कोर्ट आस्क्ड व्हाई द पिटिशनर्स विदाउट चैलेंजिंग द सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन दैट इज सेक्शन 62 क्लॉज 2 हैड कन्फाइंड देयर चैलेंज सोली टू द नोटिफिकेशन द पिटिशनर्स. अब पिटिशनर्स ने कैसे यू नो इस पे रिप्लाई किया वो हम देख लेते हैं. उन्होंने कहा देखिए सिर्फ इलेक्शन कमीशन अंडर सेक्शन 60 ऑफ द 2019 एक्ट वाज एम्पावर्ड टू कंडक्ट द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज,
ठीक है, तो इसीलिए हमें लगा कि सोर्स को चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर लिखा है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी तो हमें लगा कि इलेक्शन कमीशन करेगी, एक स्पेसिफिक डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगी, वो भी सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वो हमें समझ नहीं आया। तो ये इन्होंने साथ में बोला। और जो आर्टिकल 170 है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे लिखी है, वो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को 2011 के सेंसस के बेसिस पे कंडक्ट करने से रोकता है, क्योंकि या तो ये 2001 के सेंसस के बिहाफ पे होगी, उन्होंने फ्रीज किया हुआ है ना इस डेट को, ओके, या तो जो फर्स्ट सेंसस होगा 2026 के बाद, यानी कि 2027 में, या जैसे भी, तो आपने 2011 के सेंसस के लिए के हिसाब से कर ली, तो इसका रैशनल क्या था? तो ये चीज बेसिकली अब सुनी जा रही है। लेट्स सी व्हाट कम्स अप फ्रॉम दिस आल्सो, क्योंकि दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट यू नो केसेस। अब जैसे हम रिव्यू पिटिशन की बात कर रहे थे, तो रिव्यू पिटिशन तो आई थिंक डीएमके के कुछ एमएलएज ने डाला है, जो ईडब्ल्यूएस यू नो रिजर्वेशन है उसके खिलाफ भी यू नो रिव्यू पिटिशन डाली गई है। लेट्स सी यू नो कब इसको लिया जाएगा, क्या इस पे जजमेंट आएगी। गिव एंटी तालिबान फोर्सेस स्पेस टू यूनिफाई से फॉर्मर अफगान लीडर्स। तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि यूनिफाइड, एक डटकर, एकजुट होकर एक फाइट प्रोवाइड करनी चाहिए तालिबान को। मेंबर्स ऑफ द फॉर्मर, अब ये कौन लोग हैं, किन्होंने कहा है, जो मेंबर्स हुआ करते थे फॉर्मर पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ अफगान रिपब्लिक, यानी कि बहुत सारे एमएलएस थे, बहुत सारे एमपीस थे अफगानिस्तान के, ठीक है, तो उनके अब तो नहीं है वो, खैर, तो इसीलिए उनके द्वारा ये कहा जा रहा है। एंड द रेजिस्टेंट, और साथ ही में कौन है रेजिस्टेंस लीडर्स, जो बेसिकली रेजिस्टेंस लीडर, जैसे आप अहमद मसूद को जानते हैं, इनकी हम इंडियन एक्सप्रेस में भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स पढ़ते रहते हैं, ओके, दे हैव मेट इन नेबरिंग तजाकिस्तान फॉर अ 2-डे कॉन्फ्रेंस विच एंडेड ऑन वेंसडे अलोंग विद सीनियर डिप्लोमैट्स फ्रॉम द यूएस ईयू। अब सिर्फ इसमें यूएस और ईयू ही नहीं थे, इसमें ईरान, इंडिया, पाकिस्तान ये भी थे, ठीक है, आई होप और कोई कंट्री थी, लेट मी जस्ट रीड इट, ओके, वी विल डिस्कस इट इन द कोर्स। तो यहाँ पे बेसिकली ये लिखा है, इट वॉज द फर्स्ट सच इवेंट सिंस द फॉल ऑफ काबुल टू द तालिबान इन ऑगस्ट 2021। तो नाम क्या है इस डायलॉग का, हेरात सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको बेसिकली इसमें इंक्लूड किया गया दो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स इन द करजाई गवर्नमेंट, यू नो आप जानते हैं हामिद करजाई गवर्नमेंट, उनके भी लोग थे इसमें, बहुत सारे और थे, ओके, वॉज अटेंडेड बाई मोर देन 100 डेलीगेट्स फ्रॉम अफगान डायस्पोरा जो एग्जाइल में रह रहे हैं अब, या फिर एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, रशिया के भी थे, ओके, दैट्स गुड, बिकॉज रशिया एक मॉस्को फॉर्मेट ऑलरेडी यू नो होल्ड करता है, जो अभी रिसेंटली इंडिया ने भी जिसमें पार्ट लिया था। ऑन वेंसडे अब देखिए जो रेजिस्टेंस फोर्सेस की हम बात कर रहे थे वो ये है, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट NRF लीडर अहमद मसूद, हु इज बेसिकली द सन ऑफ द फॉर्मर नदन अलायंस कमांडर अहमद शाह मसूद, जिन्होंने बेसिकली लड़ाई लड़ी थी और जीती भी थी, जो पंजशीर वैली है बेसिकली, और जो तालिबान के खिलाफ 2001 की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने काफी डट कर लड़ाई लड़ी थी उस समय, एंड वॉज वेलकम्ड बाय अदर लीडर्स। अब देखिए इनको ऑफकोर्स वेलकम किया गया था अदर लीडर्स द्वारा विद एन अपलॉज। तो ये सारी चीजें इन्होंने बोली है। साथ में NRF इज बेसिकली यू नो बेस्ड इन द माउंटेन्स बिटवीन तजाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जो यू नो पंजशीर वैली है, उतने तक ही इनका जो इन्फ्लुएंस है सीमित है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो हमारा सपोर्ट बेस है वो इज थ्रू आउट द कंट्री, सो वी मस्ट प्रोवाइड अ यूनिफाइड यू नो फाइट टू द तालिबानीज। द तालिबान डजंट रिस्पेक्ट इस्लामिक प्रिंसिपल्स और ह्यूमैनिटी, ये मिस्टर मसूद ने कहा है कॉन्फ्रेंस के दौरान। वी ट्राइड टू टॉक टू दैम बट दे हैव, देखिए हमने उनसे बात करने की कोशिश की, रिकनसाइल करने की कोशिश की, पर उनका बस एक ही स्टैंड है, दे वॉन्ट सरेंडर ऑफ द एंटायर अफगान पीपल, दे वॉन्ट दैट इज इट, ओके, दे वॉन्ट दैट। तो ये चीज, और साथ में सबसे बड़ी बात जो कॉन्फ्रेंस पे एक्सपर्ट्स ने बोली, जो विमेन और गर्ल्स के खिलाफ हो रहा है, साथ में अगर हम देखें फॉर्मर एमपी जो हुआ करती थी, उन्होंने बोला है वो अफगानिस्तान फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इन 2014, उन्होंने बोला हाफ ऑफ अफगानिस्तान पॉपुलेशन वॉज बिंग पुश्ड आउट ऑफ लेबर फोर्स एंड आउट ऑफ स्कूल्स विच वुड लीड टू मोर पॉवर्टी एंड हार्डशिप। यस, शी ऑल्सो कॉल्ड फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू गिव पोलिटिकल स्पेस फॉर दोज अपोजिंग द तालिबान एकिन टू द दोहा हेडक्वार्टर्स गिवन टू द तालिबान। अब देखिए जब आपने दोहा टॉक्स कंडक्ट की, मिस्टर ट्रंप वगैरह ने दोहा अग्रीमेंट भी साइन की तालिबान के साथ, जो बेसिकली प्रिकर्सर है, फिर बाइडन ने उसको फॉलो किया और रिस्पेक्ट किया, तो जब आप तालिबान जो एक टेररिस्ट फोर्स है और सब जानते हैं कि टेररिस्ट फोर्स है, जब आप उन्हें पॉलिटिकल स्पेस दे सकते हैं, उनसे इतनी बड़ी बड़ी कंट्री, सुपर पावर है यूएसए एक,
अभी नहीं है तो हुआ तो करती थी, इतनी बड़ी पावर है, आप उनके साथ बात कर रहे हैं लेजिटिमेट इक्वालिटी इक्वालिटी के बेसिस पे, तो फिर आप इनको क्यों नहीं दे सकते जो लड़ रहे हैं तालिबान के खिलाफ, ठीक है? सो दे मस्ट ऑल्सो बी प्रोवाइडेड पॉलिटिकल स्पेस फॉर वेरियस टॉक्स एंड अदर थिंग्स. ओके, मिस कूफी हु फ्लेड टू लंडन आफ्टर मानसूफ हाउस अरेस्ट बाय द तालिबान इन काबुल लास्ट ईयर सेड वुमेन आर द फोरफ्रंट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द तालिबान बट वो फेसिंग रिप्रेसिव क्रैकडाउन्स. ओके, नाउ दिस इज रिटन हियर. अब देखिए क्या हुआ है, IS लीडर किल्ड इन बैटल न्यू चीफ नेम. तो इस्लामिक स्टेट जिहादिस्ट ग्रुप है बेसिकली, उन्होंने बोला है वेंसडे को कि उनके जो लीडर है अबू हसन अल हशीमी अल कुरेशी वो बेसिकली इज बिन किल्ड इन अ बैटल और उनकी रिप्लेसमेंट भी अनाउंस कर दी गई है. ओके, हशीमी जो एक इराकी थे ही वॉज किल्ड इन कॉम्बैट. अब देखिए इन्होंने लिखा है कि इस लड़ाई में उनकी मौत हुई है जो एनिमीज ऑफ गॉड यानी कि जो भगवान के दुश्मन हैं अल्लाह के दुश्मन हैं उन्होंने बेसिकली हमें हमारे लीडर को मार दिया है विदाउट एलैबोरेटिंग ऑन द डेट और सर्कमस्टेंसेज ऑफ दिस डेथ. बस इसके अलावा कुछ नहीं बोला क्या था, यू नो क्या हुआ, ये कुछ ही इन्होंने नहीं बताया. स्पीकिंग इन एन ऑडियो मैसेज द स्पोक्स पर्सन आइडेंटिफाइड द ग्रुप्स न्यू लीडर अबू अल हुसैन अल हुसैनी अल कुरेशी. ठीक है, तो ये बेसिकली होंगे. ओके, लेट्स सी. ओके, आफ्टर मीटोरिक राइज इन इराक एंड सीरिया इन 2014 दैट सॉ इट कॉन्कर वास्ट स्वैथेस ऑफ टेरिटरी IS saw its self-proclaimed caliphate collapse under a wave of offensives. तो देखिए ऐसा है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं. अभी recently हमने एक और ड्रोन अटैक देखा था, है ना, जो US ने कंडक्ट करवाया. तो ये सारी चीज़ें हैं, but you know they're very quick. बात ये है, ये आप कह सकते हैं अमॉर्फस ऑर्गेनाइजेशन है IS, एक यही होती है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अमॉर्फस है ना. अब आप समझते हैं सिर्फ एक लीडर के मर जाने से ही खत्म हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये तो किसी को भी लीडर बना देंगे. सो यू नो दैट इज नॉट द स्ट्रैटेजी. ऑफकोर्स इसको बहुत एक वेल यू नो थॉट आउट प्लान होना चाहिए इनके साथ डील करने के लिए. फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी आई एम टॉकिंग, रशियन चाइनीज बॉम्बर्स फ्लाई जॉइंट पेट्रोल्स ओवर पैसिफिक. अब आप ये सुनिए और फिर उसके बाद एक और, अब रशिया चाइना मिल रहे हैं और इंडिया US मिल रहे हैं, तो इसीलिए मैं दोनों आर्टिकल्स को साथ में डिस्कस करूंगी, वो इंडियन एक्सप्रेस में और ये यहाँ पे. रशियन एंड चाइनीज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ऑन वेंसडे, अब रशिया और चाइना के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं वो वेंसडे को उन्होंने जॉइंट पेट्रोल कैरी आउट किया है वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में, ताकि वो शोकेस कर सके कि क्या क्लोज यू नो डिफेंस टाइज है दोनों कंट्रीज के बीच में. देखिए रशिया और चाइना के बीच में कोई डिफेंस टाइज नहीं होते थे, कोई ऐसे खास कोई डिफेंस टाइज नहीं थे, पर अभी ये शोकेस कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता केवल एक दूसरे को UNSC पे सपोर्ट करने तक सीमित नहीं है, एक्चुअल में वी आर गुड, यू नो आवर रिलेशनशिप इज नाइस, वी आर कैरिंग आउट जॉइंट पेट्रोल्स एंड मिस्टर US यू कैन सी इट. ओके, द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री सेड TU-95 बॉम्बर्स ऑफ द रशियन एयरफोर्स, रशियन एयरफोर्स के ये बॉम्बर्स साथ में चाइनीज H-6K bombers, they flew over Sea of Japan and East China Sea during an 8-hour mission. तो मतलब क्या है कि you know East China Sea वाला या South China Sea वाला region या Sea of Japan जहाँ पे you know बहुत सारी Japan के कुछ islands हैं जो चाइना कहता है कि हमारे हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ईस्ट चाइना सी में भी वियतनाम वगैरह ये सारी कंट्रीज़ के कुछ आइलैंड्स हैं जो चाइना कहता है हमारा है पर ये कहते हैं हमारे, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. अब इससे ये पता चलता है कि अगर जो जितने भी बेसिकली यू नो चाइना के खिलाफ जितने भी लोग हैं कि आप ये गलत करते हैं जो ऐसे आइलैंड्स क्लेम करके, तो अब इससे पता चल जाएगा कि रशिया चाइना का साथ देगी हर क्लेम में. ठीक है, फिर वो कहेंगे सोवरेनिटी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, वो चाइना के सपोर्ट में, लेकिन वो बिल्कुल ऑपोजिट ही है उससे जो चाइना कर रहा है. अ पार्ट ऑफ द ड्रिल्स एज पार्ट ऑफ द ड्रिल्स द रशियन बॉम्बर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है कि रशियन बॉम्बर्स ने लैंड किया चाइना में, चाइनीज बॉम्बर्स एक एयर ब्रेस पे लैंड किया उन्होंने रशिया में, तो ये चीज पहली बार हुई है. और इन्होंने बोला कि देखिए हमारा कोई मकसद नहीं है, इट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट नन ऑफ द कंट्रीज, ये किसी के अगेंस्ट डायरेक्टेड नहीं है. द एक्सरसाइज फॉलोज अ सीरीज ऑफ जॉइंट ड्रिल्स इंटेंडेड टू शोकेस, बस हमें शोकेस करना है कि हमारी मिलिट्री कोऑपरेशन कैसे ग्रो हो रही है, दैट इज इट, इससे ज्यादा हमारा कोई मकसद नहीं है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दिस आर्टिकल. इंडिया US ड्रिल्स नियर LAC वॉयलेट स्पिरिट ऑफ बॉर्डर पैक्ट चाइना. देखिए ये हम देखते हैं, चाइना ने वेंसडे को बोला है कि हम बिल्कुल अपोज करते हैं जो जॉइंट इंडो US मिलिट्री एक्सरसाइज हमारे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल आपने इतने पास में कंडक्ट की है, अभी ये वॉयलेट करती है स्पिरिट ऑफ द
टू बॉर्डर अग्रीमेंट्स जो न्यू दिल्ली और बीजिंग ने साइन किए हुए हैं। अब आपको इन दोनों अग्रीमेंट्स के बारे में याद आ गया, लेकिन जो भारत इतने सालों से, पिछले 3 सालों से कह रहा है कि LAC पे जो स्टैंड अप आपने चालू किया, जो यूनिलैटरली आपने स्टेटस क्वो को ब्रीच किया या ब्रेक किया, वो उन दो अग्रीमेंट्स के खिलाफ जाता है, तो वो तब आपको याद नहीं आया। वैसे ये तो कुछ है भी नहीं। अब देखिए कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रही है चाइना, 18th एडिशन ऑफ इंडिया US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये हर साल होती है, एनुअल एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास, ठीक है। इट इज करंटली अंडर वे इन उत्तराखंड, विच इज अबाउट लाइक 100 kilometers फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ओके। इसका एम ये है बेसिकली इंटरऑपरेबिलिटी कर को, किसी ह्यूमैनिटेरियन केस के लिए ही एक दूसरे का साथ देना पड़ सकता है, ठीक है। उत्तराखंड में अगर कुछ दिक्कत आ जाती है, गॉड फॉरबिड ऐसा कभी कुछ भी ना हो, पर फिर भी एक ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए एक दूसरे की इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, साथ में काम करना आना चाहिए, एक दूसरे की एक्सपर्टीज शेयर करना आना चाहिए। वो आर्मी बताएगी कि हम ऐसे डील करते हैं, हमारी आर्मी बताएगी कि हम ऐसे डील करते हैं पीस कीपिंग मेजर्स में, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में। सो यू नो दिस इज नियरली 2 week एक्सरसाइज विच बिगैन अर्लियर दिस मंथ, ओके। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड US क्लोज टू द LAC at the China-India border violates the spirit of the agreements between China and India in 1993 and 1996. So 1993 or 1996 basically इन्होंने बोला कि ये हमारे म्यूचुअल ट्रस्ट जो है इंडिया और चाइना के बीच में, जो पंचशील अग्रीमेंट ने भी कहा था, यू नो साइन बाय जवाहरलाल नेहरू जी, तो ये उसके अगेंस्ट भी जाता है, ओके। और ये अग्रीमेंट, ओके, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ऑलराइट, इफ आई जस्ट रीड इट, LAC in Eastern Ladakh in May 2020 violated the bilateral agreements which state, a bilateral agreements ये कहती है कि जो boundary का question है, वैसे तो उन्हें भी नहीं पता कि क्या boundary है, हमें भी नहीं पता क्या boundary है, पर boundary के question को resolve कभी भी किया जाएगा, वो peaceful और friendly consultations के बाद किया जाएगा। तो ये तो बकवास बात है, खैर इनसे तो किसी चीज़ की और उम्मीद है भी नहीं, ये घुमा फिरा के अपनी बातें पता नहीं किस वे से रख देते हैं, ओके। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर रिटन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, लेट्स सी, क्योंकि आज दिसंबर 1 है तो G20 की प्रेसिडेंसी हम कमेंस करते हैं आज से, लेट्स सी व्हाट इज द विजन ऑफ इंडिया एज फार एज G20 प्रेसिडेंसी इज कंसर्न्ड। तो देखिए यू नो ऑफ कोर्स दिस इज वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ द अदर प्रेसिडेंसीज, जो बेसिकली इससे पहले 17 प्रेसिडेंसीज रह चुकी हैं G20 की, उन्होंने काफी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, देखिए G20 को बनाया ही गया था कि जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही थी उसको इवेड करने के लिए, उससे हर कंट्री को बचाने के लिए, तो इसीलिए जो इमर्जिंग इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमीज थी, इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, एडवांस इकोनॉमी, साथ में आई थी और उन्होंने G20 बनाया था। और एक्चुअल में इन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रीवियसली यू नो प्रोवाइड किए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज वन ऑफ देम, रैशनलाइजिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन, रिलीविंग डेट बर्डन ऑन कंट्रीज, अमंग मेनी अदर आउटकम्स। तो बेसिकली हम इससे बेनिफिट होंगे और साथ में इन्हीं बेनिफिट्स पे और बिल्ड अप करेंगे ऊपर, ठीक है। हाउएवर एज इंडिया अज्यूम्स दिस इंपॉर्टेंट मेंटल, आई आस्क माई सेल्फ कैन द G20 गो फर्दर स्टिल, इससे आगे क्या ले जाया जा सकता है, ऑलरेडी इतना कुछ अच्छा कर दिया G20 ने, इज देयर अ पाथ फर्दर और नॉट, ओके। कैन वी कैटलाइज अ फंडामेंटल माइंडसेट शिफ्ट टू बेनिफिट ह्यूमैनिटी एज अ होल, आई बिलीव वी कैन, दिस इज व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर सेज, आवर माइंडसेट्स आर शेप्ड बाय आवर सर्कमस्टेंसेस, through all of history, humanity lived in scarcity. We fought for limited resources because our survival depended on denying them to others. Confrontation and competition between ideas, ideologies, identities became the norm. यही ना, हर चीज survival issue ही तो है ना, हुआ करता था at least पहले, तो confrontation, कॉम्पिटिशन बिकेम द नॉ, हर कंट्री को नंबर वन बनना है, हर इंसान को समझना है हमारे लिए कम ना हो जाए, अगर हम दूसरों की हेल्प कर देंगे तो हमारे पास खुद ही गिना चुना चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक कंट्री की आइडियोलॉजी दूसरी कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है, क्योंकि हर किसी को अपना नेशनल इंटरेस्ट सेव करना है, ह्यूमैनिटेरियन चीज़ें बहुत कम दिमागों में आती है सबके, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वी रिमेन ट्रैप्ड इन द सेम जीरो सम माइंड सेट इवन टूडे। जीरो सम गेम क्या होती है, जीरो सम माइंड सेट क्या होता है, जहाँ पे आप सिर्फ तब बढ़ेंगे जब आपके साथ वाले का लॉस होगा, तो मतलब उसका डिफीट आपकी विन, ऐसा नहीं हो सकता दोनों विन करें, दोनों कॉपरेट करें, कंपटीशन बिकम्स द नॉर्म हियर, ओके। 1-1 हो जाए या फिर दोनों साथ नहीं देंगे तो दोनों का 0-0 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, जीरो सम गेम अगर आपका माइंडसेट है तो, ओके। वी सी इट व्हेन कंट्रीज फाइट ओवर टेरिटरी और रिसोर्सेज, वी सी इट व्हेन सप्लाईज ऑफ एसेंशियल गुड्स आर वेपनाइज्ड, वी सी इट व्हेन वैक्सीन्स आर होल्डेड बाय अ फ्यू,
even as billions remain vulnerable. This was shown by USA, the so-called liberal democratic country, who goes on to say, हमारी country ये, हमारी country वो. और जब आपको vaccines देनी थी इंडिया को, जब इंडिया, you know, second wave में आई, और तब आपने ये रोक दिया, नहीं, vaccines नहीं जाएंगी. And this was Mr. Biden, Democrat. Okay? तो, you know, ये जो zero sum mindset है, या खुद के survival को सबसे पहले रखना, at least it is good. Whenever, see, this will happen. Whenever India reaches that notch, when we will become the leader, we are leader in many ways, but na, to, we would be a good leader, because at least hamara zero sum mentality nahi hai. Aaj tak kabhi bhi aisa nahi hua, agar kisi ne hamari madad mangi hai to hamari madad wahan nahi pahunchi hai. Some may argue that confrontation, and now this is something very philosophical, jaise one earth aur one family ka yahan pe likha hai, and one future, yahi hamara G20 ka वासुदेव कुटुंबकम, जो हमारा एक स्टैंड है, जो जिसमें इंडिया बिलीव करती है, फॉलो करती है, जो हमारी सिविलाइजेशन भी कहती है. इसीलिए एक अर्थ है, और पूरी अर्थ का हर इंसान एक फैमिली में ही एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है, निटेड है, और सबका एक ही फ्यूचर है. तो जब क्यों एक दूसरे को एक दूसरे का एनिमी मानना, सब साथ बढ़ के आगे क्यों नहीं चल सकते. सबको एक ही अर्थ मिली है, सबको एक ही इन्वायरमेंट मिला है, सस्टेनेबिलिटी सबका धर्म होना चाहिए, फ्रेंडली लाइफ स्टाइल सबका धर्म होना चाहिए. एंड यू नो हम वी बिलीव इन, स्पेशली यू नो गिवन बाय M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने क्या कहा था, ट्रस्टीशिप. ओके, नेचर के आप सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टी हैं, ओनर नहीं हैं. ठीक है, तो आपको ये बेसिकली आगे फ्यूचर जनरेशन को देना है, तो अच्छी शेप में दीजिए. तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बड़ी हेल्प करेंगी, आप इसको पढ़ सकते हैं, फिलोसॉफिकल है, आप ऐसे लिखने में काफ़ी यू नो इससे हेल्प ले सकते हैं. थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो.